किसान भाइयों आप देख रहे हैं ये है बेर। आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर बेर की ग्रेडिंग हो रही है और ये जो बॉक्स है वो पैक हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेर की खेती के बारे में। आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज का वीडियो इसलिए भी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस किसान भाई से हम बात करने वाले हैं वो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने हमारे ही वीडियो को देखकर बेर की खेती शुरू की थी और वो आज सक्सेसफुल फार्मर हैं। तो चले हम उनसे बात करते हैं आज के इस वीडियो में कि किस तरीके से उन्होंने बेर की खेती को शुरू किया और इसके साथ ही उन्होंने 4 बीघा में बेर की खेती की है और इस साल उन्होंने अपनी हार्वेस्टिंग से लगभग 7 लाख रुपए के बेर बेच दिए हैं और अभी भी उनकी हार्वेस्टिंग चल रही है। तो चले शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं उनके बारे में। तो नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं थोड़ा सा आप उन्हें अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रहलाद जाट, तहसील पीपलू, जिला टोक, गांव संदेड़ा फार्म। जी, तो अब जैसे कि अभी हम ये जो बेर के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बेर की खेती की शुरुआत आपने कैसे की, इसके बारे में कैसे आपको पता चला? सर मैंने पहले खेती नहीं करता था जी, पहले बाहर दूसरा जॉब करता था, फिर पिताजी एक्सपायर होने के बाद में मैं ये खेती के अंदर आ गया जी। तो मैंने YouTube पे, आपका YouTube चैनल है जी, उसके माध्यम से हमने YouTube पे बेर की खेती देखी जी। तो वो खेती प्रतापगढ़ में बड़ी सादड़ी हो रही थी जी, तो हम यहाँ 2-4 भाई मिलके वहाँ जाके देख के आए जी। तो वहाँ देखने के बाद हमें अनुभव हुआ कि अपनी यहाँ भी खेती हो सकती है जी। तो फिर तो कितना टाइम हो गया आपको इसकी खेती को करते करते? ये 2021 मई 2021 में लगाया था। अच्छा, तो अब जैसे अभी आप एक तो कितनी टोटल जमीन में ये बेर की खेती कर रहे हैं? 4 बीघा में है सर। 4 बीघा में, 4 बीघा में आपके लगभग कितने पौधे टोटल लगे हुए हैं? 1000 पौधे। अच्छा, 1000 पौधे। उसमें आपकी ये जो वैरायटी हम देख रहे हैं ये कौन सी वैरायटी है? ये बोल सुंदरी है जी। तो ये जो बोल सुंदरी जो वैरायटी है, अक्सर हम देखते हैं कि बेर की काफी सारी वैरायटियां हैं, तो ये जो वैरायटी है आपने इस वैरायटी का सिलेक्शन क्यों किया? जी सर, हमने ट्राई की कई बार यूट्यूब पे जी, तो यूट्यूब पे पता चला कि ये नई वैरायटी है जी, तो नई वैरायटी भी है, इसमें क्या प्रोडक्शन भी ज्यादा है और मार्केट वैल्यू भी ज्यादा है जी, इसलिए ये वैरायटी लगाई। ठीक है, तो अभी एक तो मेरे को आप सबसे पहले इसका फ्रूट दिखाइए कि इसका फ्रूट होता किस तरीके का है, वो थोड़ा सा। जी सर, ये फ्रूट ऐसा होता है, ये बिल्कुल मैच्योर है, तोड़ने के लायक है। ठीक है, ये पूरा पका हुआ ऐसे करके तुड़ाई की जाती है इसकी। जी, तो अभी आप दिखाइए कि जैसे ये जो आप वैरायटी बता रहे हैं तो जो दूसरी वैरायटियां हैं उसमें और इसके फ्रूट में क्या फर्क है? सर ये राउंड शेप में है, बिल्कुल गोल टाइप में है जी, सेब की तरह आता है ये। अच्छा, तो इसको मार्केट वैल्यू में भी दिक्कत नहीं है, बेचने में भी ये जाते बिक जाता है मंडी में भी जी। तो इसका जो ये जो फ्रूट है, इस फ्रूट का टेस्ट कैसा होता है? ये इसका टेस्ट शक्कर से भी मीठा है। अच्छा, तो जैसे दूसरी जो वैरायटियां है उनकी बनिस्पत अगर हम देखें मार्केट की, इसकी जो डिमांड आती है, इसको लोग जो है मार्केट में कैसे इसको पसंद करते हैं, फिर या इसकी मार्केट में क्या सिस्टम रहता है? सर ये देखते ही एक तो बाजार में जहाँ डाला रखा है होता है, वहाँ जाते ही दिखता है कि सेब की तरह है, और जैसे इसको टेस्ट करते हैं तो अलग ही टेस्ट रहता है सर जी। तो इसको लोगों को देखने पे ऐसे लगता है भाई ये ले। अच्छा, तो यानी कि लोगों की पहली पसंद बन गई? पहली पसंद बन गई। अच्छा, तो अब हम इसकी खेती की बात करें तो जब आपने इसके बारे में सोचा कि भाई हम इसकी फार्मिंग कर रहे हैं तो आपने इसके पौधे जो खेत में लगाए, खेत की तैयारी सबसे पहले आपने कैसे? सबसे पहले कल्टीवेटर किया सर जी, और फिर नाप चोप करके जेसीबी से गड्ढे करवाए। ठीक है, गड्ढे करवा के पहले तो गड्ढे कर दिया, फिर इसमें खाद डाल दिया, खाद डाल के गड्ढा बराबर करके पानी छोड़ के दूसरे दिन फिर पौधा लगाया हमने। ठीक है, तो एक तो आप मेरे को ये बताइए कि जब आपने गड्ढा खोदा जी, तो सबसे पहले तो पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी आपने क्या रखी? पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट रखी है, लाइन से लाइन 12 फीट रखी है। ठीक है, अब आपने जो पौधा का जो गड्ढा खोदा, गड्ढा किस तरीके से खोदा, कितना चौड़ा खोदा, उसके बारे में? जेसीबी से खुदवाया था सर, जो 1.5x1.5 खुदा है। अच्छा, 1.5x1.5 का गड्ढा है। ठीक है, फिर जैसे आपने गड्ढा खोदा तो गड्ढा खोदने के बाद में जैसे अभी ये जो पौधा है, ये पौधा आपने लगाया कैसे, वो भी मेरे को आप थोड़ा सा समझाइए। सर हमने पहले गड्ढा तैयार कर लिया था, तो इसमें दीमक की दवाई डाल के, खाद डाल के इसको बराबर करके पानी डाल दिया। ठीक है, पानी डालने के बाद दूसरे दिन इसको गड्ढा करके थोड़ा बहुत जितना पौधा आता है उतना वापस इसको गड्ढा करके पेड़ लगा दिया, पेड़ लगा के बराबर करके पानी डाल दिया।
यानी कि पहले आपने गड्ढा किया, उसको फिर मिट्टी से और इसमें केमिकल सारे जो भी डाल के उसको फिर अपने गड्ढे को वापस बराबर बराबर कर दिया। फिर इसमें जो अपना जो पौधा आता है, पौधे की जो बेग है उसके हिसाब से गड्ढा खोद के उसको फिर वापस बराबर कर दिया। ठीक है, दूसरे दिन पानी छोड़ दिया। ठीक है, तो जब आप प्रतापगढ़ इसकी फार्मिंग देख के आए तो फिर आपने इसके पौधे कहाँ से लिए और इसकी जो ज्यादा जानकारी है वो आपने कहाँ से ली, उसके बारे में भी? ये हमने श्रीनाथ नर्सरी है वहाँ आशीष जी विजय वर्गीय मरमी तहसील चित्तौड़ में जी उनसे लिए थे। अच्छा, तो फिर जब आपने उनसे पौधे लिए तो उसके बाद उनका आपको क्या सपोर्ट मिला है? सर उनका पूरा सपोर्ट रहा, जब भी कोई फसल में कोई बीमारी आती थी तो हम उनको व्हाट्सएप पे फोटो भेज देते थे और वो हमारे को राय बताते थे। तो अब जैसे आपने जो पौधा लगाया तो पौधा लगाने के का टाइम क्या रहा था, किस टाइम पे आपने पौधा इसका लगाया? टाइम तो वैसे जनवरी फरवरी का रहता है लेकिन हमारी फसल थी इसमें तो हम लेट हो गए थे, 5 मई को लगाया हमने। ठीक है, तो आपने मई को लगा दिया। अब उसके बाद आप मेरे को ये बताइए कि जो पौधा आपने अपने खेत में लगाए उसके बाद इसमें एक साल तक आपने क्या क्या खाद दिए, एक साल तक इसका क्या शेड्यूल रहा वो भी आप मेरे को थोड़ा? सर इसमें डीएपी दिए है हमने, माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद दिए है जी, और फंगस के लिए फंगीसाइड दिया, कीटनाशक भी दिया हमने जी, 2-3 बार खाद दिया, 2-3 बार स्प्रे किए हमने। ठीक है, तो जब आपने जो पौधा लगाया था उस टाइम पे खेत की तैयारी करते टाइम कौन कौन से खाद इसमें दिए थे? उस टाइम तो ये देसी खाद आता है, गाय भैंस का गोबर वही डाला था। ठीक है, अब ये बात हुई। फिर जैसे आप मेरे को ये बताइए कि अभी इसकी आप पिलाई किस तरीके से करते हैं, पानी देने का क्या? पानी वैसे तो ड्रिप से करते हैं लेकिन ड्रिप से कभी सक्सेस नहीं होता है, वैसे खुला भी दे देते हैं। अच्छा, ड्रिप से सक्सेस नहीं होने का क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, वैसे टाइम नहीं मिल पाता है जी, और पानी की मात्रा अपने पास ज्यादा है तो खुला ही दे देते हैं, उससे क्या पेड़ हरे भरे रहते हैं जी, और ड्रिप से क्या पानी कम मिलता है पौधों को। अच्छा, तो अभी जैसे आप मेरे को ये बताएं आपकी जो मिट्टी है ये मिट्टी किस तरीके की है, कौन सी मिट्टी में आपने? ये दोमट मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी है जी। तो अब जैसे कि कोई आपका ये वीडियो देख रहा है, कोई किसान भाई चाहता है कि भाई मैं भी बेर की खेती करूं, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि भाई पौधे लगाते टाइम किसान को क्या सावधानी रखनी चाहिए? पौधे लगाते टाइम एक तो खाद और पानी टाइम से देते रहे जी, और दूसरी बात कोई खरपतवार हो जाती है तो उसको टाइम के टाइम निकालते रहे जी, और पौधे लगाए तो ऐसी जगह लगाए जहाँ पे बारिश का पानी जमाव नहीं हो जी, वो पानी टाइम का टाइम निकलता रहे, ऐसी जगह पे ऊंची जगह पे लगाए जी। तो अभी जैसे आप मेरे को ये बताइए कि आप इसकी खेती कर रहे हैं, लगभग आपको 3 साल का अनुभव हो चुका जी, है, तो 3 साल में आपने इसमें कौन कौन सी बीमारियां देखी? बीमारियां में इसमें ज्यादा तो नहीं है, ज्यादातर ये फंगीसाइड और कीटनाशक की है। अच्छा, लटकी इल्ली की है जी। तो इल्ली कौन से टाइम में इसमें आती है अपनी? ये जैसे ही फ्रूटिंग तैयार होती है, पकने की तैयारी हो जाती है, उस टाइम पे आती है। ठीक है, तो फिर उसके कंट्रोल के लिए आप क्या करते हैं? वो कीटनाशक का स्प्रे करते हैं सर उसके लिए। तो और मनो फल मक्खी आती है उसके लिए भी वो ट्रेप लगाते हैं जी। आपने ट्रेप लगा दिया, ये सारी चीजें हो गई। अब मेरे को ये बताइए इसका जो फर्स्ट प्रोडक्शन है, आपको इसका फर्स्ट प्रोडक्शन मतलब कितने टाइम में मिला था पौधे लगाने के बाद? पौधे लगाने के बाद 9 महीने में मिल गया था सर हमारे। ठीक है, 9 महीने में मिल गया। तो आपका मार्केट, आपका यहाँ से जैसे मार्केट की बात करें तो आपका मार्केट कहाँ पर रहता है इसका? फर्स्ट के साल में तो सर हमने गाँव में ऐसे ही बेच दिया था जी, तो यही निकल गया था हमारा फर्स्ट का साल। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट टाइम की बात करें तो फर्स्ट टाइम पे आपको एक एवरेज एक प्लांट से कितना उत्पादन मिला था, एक एवरेज? अगर एवरेज का तो पता नहीं है सर, लेकिन पूरे प्लांट 1000 प्लांट में से 90,000 का निकाल दिया था। ठीक है, 90,000 का मतलब फर्स्ट टाइम 9 महीने में आपको प्रोडक्शन मिला था जी। और जब आपने पौधे लगाए तो उसमें आपका लगभग कितना इसमें पूरा खर्चा आया था? इसमें हमारे को 60,000 खर्चा आ गया था। अच्छा, यानी कि 60,000 का आपका टोटल खर्चा आया। उस 60,000 में क्या क्या इंक्लूड था? इसमें जेसीबी से खुदाई करा के गड्ढे करवाए और पौधे लगाए जी, और खाद दवाई जो भी है वो। यानी कि लगभग आपने जो पौधे लगाए उसमें आपका जितना भी जो खर्चा हुआ वो 60,000 का हुआ और 9 महीने में आपको 90,000 का रिटर्न मिल गया जी। यानी कि 9 महीने में भी अगर हम देखे थे एवरेज आपको 30,000 का जो प्रॉफिट है वो मिल चुका है जी। ठीक है, अब हम जैसे आगे सेकंड ईयर में जब आपको प्रोडक्शन मिला तो सेकंड ईयर में आपको लगभग कितना इसमें से बेनिफिट? सेकंड साल में हमारे को 6.5 लाख रुपए का उत्पादन हुआ, इसमें से हमारे को 50,000 रुपए खर्चा हो गया था, 6 लाख रुपए बच गए जी। अच्छा, तो अभी जैसे मेरे को एक चीज आप बताइए कि अपना इस पौधे के ऊपर मैं देखूं तो काफी सारा अपना प्रोडक्शन लगा हुआ है, तो इस ये जो अपन अभी जैसे पीछे भी आपकी तुड़ाई भी चल रही है जी, तो अगर हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है, क्या सावधानी रखते हैं उसके बारे में आप मेरे को थोड़ा जी? सर इसमें कच्चे पक्के सारे फल रहते हैं जी। अभी मान लो ये मैच्योर हो गया है, ये तोड़ सकते हैं, अभी ये कच्चा है, अभी इसको नहीं तोड़ सकते,
अगर तोड़ने का तरीका तो वैसे ही पकने के बाद सीधा है, ऐसे करके तोड़ देते हैं। ठीक है, यानी तोड़ना इसको आसान है। आसान है। तो इसमें आपको लगभग जब इसकी तुड़ाई चलती है तो आपको कितनी लेबर की इसमें जरूरत? सर ऐसे मानो आप कंटिन्यू अगर तुड़ाई करते हैं तो 6-7 लेबर डेली चाहिए। अच्छा, अगर एक दिन रुक जाते हैं बीच में तो 10-12 लेबर एक दो दिन छोड़ के लगानी पड़ती है। ठीक है। तो अभी जैसे आपकी ये जो फसल चल रही है, इसकी लास्ट तुड़ाई आपने कब की थी, आज से पहले वाली लास्ट तुड़ाई? सर इससे पहले वाली तुड़ाई हमने 2 दिन पहले की थी। अच्छा, उस टाइम पे हमने 30 क्विंटल माल निकाल के बाजार भेजा था। अच्छा, तो फिर आपने मार्केट में कहाँ भेजा, आपका मार्केट कहाँ है इसका? वैसे हमारा जयपुर भी है, टोंक भी है, लेकिन ये जयपुर गया था सर वहाँ। अच्छा, जयपुर गया। तो वहाँ आपको इसकी क्या लगभग रेट मिली? वहाँ 40 से 45 रुपये मिल रही है अभी रेट। अच्छा, जैसे एक चीज आप मेरे को और बताइए कि काफी किसान है जो अलग अलग बागवानी फसलों की खेती करते हैं, और काफी किसान चाहते हैं कि हम बेर की खेती करना चाहते हैं, तो आप ये बताइए कि बेर का जो मार्केट है वो मार्केट किस तरीके का है, इसकी मार्केट डिमांड कैसी रहती है? सर इसका हर चीज का टाइम होता है सर। जैसे बेर, जैसे जो जैसी वेरायटी होती है वो जल्दी बिकती है। हमारी वेरायटी है बहुत बढ़िया वेरायटी है, ये नई वेरायटी है, ये जाते ही मार्केट में ग्राहक बहुत होते हैं इनके जो आज जाते ही ले लेते हैं। तो अब जैसे आप फर्स्ट अपने बता रहे थे कि आपने मई में इसके पौधे लगाए, तो उसके कितने टाइम बाद कौन से महीने में आपको प्रोडक्शन मिला, वो भी आप? सर ये जनवरी फरवरी में चालू हो गया था प्रोडक्शन। अच्छा। मार्च तक चला था जी। और जैसे आपने जनवरी फरवरी में चालू हुआ तो कितने लंबे टाइम तक आपका प्रोडक्शन चला? ये 2 महीने चला सर। ठीक है। तो जैसे अभी आपकी ये जो फसल खड़ी है, इसकी आपने हार्वेस्टिंग कब स्टार्ट की थी और ये कब तक चलेगी? सर इसकी तुड़ाई हमने 28 जनवरी को चालू कर दी थी। ठीक है। और ये अभी आज 17 मार्च हो गई, आज के 10 दिन बाद और तक चलेगी। ठीक है। तो अभी तक जैसे इस फसल की देखें, इस फसल से आपको कितना प्रोडक्शन मिल चुका है? सर अभी तक हमने 7 लाख रुपए का माल बेच चुके हैं। यानी 4 बीघा से आप 7 लाख रुपए की तो अपनी फसल बेच चुके हैं जी। और 10 दिन में लगभग आप कितना और अनुमान लगा रहे हैं? मान लो 2 लाख रुपए और मान लो। अच्छा, यानी कि लगभग 4 बीघा जमीन से आप 8 से 9 लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। और अगर हम इस साल का खर्चा देखें आपका, तो इस साल का खर्चा आपका कितना लगभग आया इसमें? खर्चा सर 1-1.25 लाख रुपए खर्चा मान लो सर। अच्छा, तो 1.25 लाख रुपए में जो सारा जो भी खर्चा है सारा खर्चा आ जाएगा। ठीक है। पर जो भी बागवानी फसलें लगाते हैं उन सबकी हमें कटिंग या ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो इसकी आप कटिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा आप समझिए। सर इसकी कटिंग मई में की जाती है, 20 मई से आगे मान लो आप 25 मई 30 जून तक चलता रहता है जी। तो कटिंग है सर इसका यहाँ से जमीन के बराबर से थोड़ा 4 अंगुल ऊपर कटाई कर देते हैं। अच्छा, जैसे कि ये जो यहाँ से जो मैं पौधा देख रहा हूँ, पहले वाला ये तना है इसका। हाँ। और यहाँ से आपने कटिंग कर दी। 6 इंची ऊपर मान लो। अच्छा, 6 इंच से अपन कटिंग करते हैं। जब हम कटिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या ध्यान रखते हैं, वो भी आप थोड़ा सा समझाइए। कटिंग करने के बाद 1 महीने बाद इसमें फुटाव चालू हो जाता है। अच्छा, तो 1-2 महीने में इसमें बहुत सी ब्रांचे निकलने लगती है जी। तो बहुत सी ब्रांचों को तो हम रख नहीं सकते, इसमें से काट छाट करके हमें मजबूत टहनियां रखते हैं इसमें जी। 5 या 6 टहनियां रखते हैं जी। अच्छा, जैसे इस पौधे में अपन देख रहे हैं 5 ही आपने टहनियां इसमें रखी है नीचे से जी। तो इतना ही मतलब आप रखते हैं, जो ज्यादा आती है उनसे भी आप कटिंग कर देते हैं, उससे ज्यादा है कोई फायदा नहीं है सर उससे जी। उससे कोई बेर भी ज्यादा नहीं आते इसमें, क्या है एक तो क्वालिटी बढ़िया आती है जी। और बेर भी ज्यादा रुकते हैं और जगह घूमने की कम है इसमें, तो ये कम रखने की वजह से घूम फिर सकते हैं अपन, तुड़ाई भी सही तरीके से कर सकते हैं। तो अब जैसे आप बताए वहाँ से हार्वेस्टिंग होती है जी, फिर यहाँ की जो पैकिंग की जो प्रोसेस है वो सारी आप हमें समझाइए जी। सर वहाँ से लेबर कट्टा भर के यहाँ ले आती है और यहाँ खाली करके हम इसमें से ग्रेडिंग करते हैं जी। ग्रेडिंग होने के बाद में लाल को अलग और अच्छे बेर होते हैं उनको डिब्बे में भर देते हैं। अच्छा, तो जैसे अभी ये जो कट्टा खाली हो रहा है जी, इसको खाली करेंगे जी, फिर इसमें से हम कैसे सेलेक्ट करेंगे वो भी आप थोड़ा सा मेरे को समझे, कौन कौन सा अपन अलग ग्रेडिंग करेंगे? सर देखो ये लाल, वैसे ये मार्केट में बिकने लायक नहीं है। अच्छा, तो इसको हम बाहर ही निकाल के यही खेत में रख देते हैं जी। और वैसे ये मान लो ये बड़े बेर पके हुए अच्छे बेर है जी, इसको हम डालते हैं डिब्बे में। अच्छा, तो इस तरीके से इसकी जी ग्रेडिंग हो जाती है। तो अभी आप मेरे को जो आपके कार्टून भरे हुए हैं वो थोड़े से वो भी आप हमें दिखाइए। सर तैयार हो गए इसके, अब टेप लगा के पैकिंग कर देंगे और ऐसे डिब्बे भर के रख देंगे। अच्छा, ये जो आपने भर रखे हैं जी। ठीक है, अभी जैसे एक की हम बात करें तो ये एक में लगभग कितना वजन इसका आ जाता सर, है? इसमें 10 किलो के लगभग आ जाता है एवरेज। अच्छा, तो जैसे अभी हम नॉर्मली देखते हैं तो नॉर्मली जो भी किसान है वो सीधा बैग भर के कट्टा भर के बेच देते हैं मार्केट में सर, लेकिन आप इसको इसमें बॉक्स में पैक कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा जी। सर वैसे क्या मार्केट में हर चीज क्वालिटी की बिकती है जी,
तो लोग क्वालिटी देखते हैं। अगर ऐसे हम डायरेक्ट थैली भर के या कट्टे में भर के मार्केट पहुंचा दे तो इसकी मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है। अच्छा, और इसमें क्या लोगों को बढ़िया माल दिखता है इसलिए जाते खरीद लेते हैं। अच्छा, तो जैसे अभी ये जो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जब आप इसमें पैक करते हैं तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। कॉस्ट तो इसकी लगभग कितनी आपको एक बॉक्स की कीमत पड़ती है? सर ये 10 किलो एवरेज इसमें बेर आते हैं, लेकिन इसका खर्चा भी 1 रुपए किलो का खर्चा ये 10 रुपए का पड़ता है। अच्छा, 10 रुपए का आपको ये बॉक्स मिलता है, फिर इसकी कॉस्ट कैसे निकलती है वो भी आप थोड़ा सा? इससे क्या है कि अपन थैली में ले जाते हैं रेट कम लगती है। अच्छा, और अपन इसमें डिब्बे में लेके जाने तो रेट ज्यादा मिल जाती है इसलिए कॉस्ट निकल जाती है। अच्छा, तो लगभग कितना आपको रेट का इसमें फर्क मिल जाता है? 5 रुपए किलो का एवरेज ज्यादा मिलता है इससे। अच्छा, 5 रुपए का एवरेज आपको ज्यादा मिल गया, तो 10 किलो हुआ था यानी 50 रुपए का आपको ज्यादा, एक 10 किलो पे हो गया। हाँ, तो 50 रुपए में आपको लगभग 10 रुपए इस बॉक्स के मान लेते तो भी आपको 40 रुपए 10 किलो पे ज्यादा मिल गए। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। जैसे आप इसमें जैसे दो चीजें बता रहे थे कि एक तो अलग कलर है। हाँ, कलर के हिसाब से आप सेलेक्ट करते हैं, तो कलर तो आपने कर लिया, फिर इसमें आप इसकी जो साइज है साइज को भी सेलेक्ट करते हैं? साइज को नहीं करते। अच्छा, साइज तो कोई दिक्कत नहीं आती है साइज की वजह से, लेकिन इसमें लाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, लाल को हम बिल्कुल नहीं डालते इसमें।